लोग जानेंगे, देखिए हमारे पास एक सीलिंग फैन है। इस सीलिंग फैन में प्रॉब्लम ये कि पहली बात तो ये पूरा जाम है, जहां पे चल रहा था बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, तो इसकी बैरिंग हमें चेंज करनी है। तो कैसे इसके हम बैरिंग को चेंज कर सकते हैं, कैसे इसके इसमें हम बैरिंग पुलर का यूज कर सकते हैं, इसकी बैरिंग को कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, पूरा कंप्लीट इसको जानेंगे, इसको चेंज करके। देखिए ये क्या है ना कि ऐसे चल रहा था और चलते चलते जाम हो जा रहा था। ये पंखा बहुत दिनों से चल रहा था, 7-8 साल पुराना है, अभी पहली बार खुलने जा रहा, अभी तक ये खुला नहीं है एक बार, तो पहली बार ये खुलने जा रहा है। तो इस पंखा में यही प्रॉब्लम थी कि इसकी बैरिंग जाम है। तो चलिए हम इसको ओपन कर देते हैं, इसको खोल देते हैं और खोल करके इसकी बैरिंग को हम बदलेंगे। तो बैरिंग बदलेंगे और आवाज भी कर रहा था, ये सारी प्रॉब्लम थी। और जो बैरिंग लगती, कितने नंबर की बैरिंग लगती है, कैसे इसको चेंज करेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। तो देख लीजिए, बैरिंग खोलने के लिए हमें सिर्फ 3 नटों को खोलना पड़ता है, और ये जो बीच बीच के नट होते हैं ये पत्तियों के होते हैं, तो ये बेसिक सी बात हो गई। इसके अलावा देखिए हम बैरिंग को खोल देते हैं, यहाँ पे एक नट को हमने खोल दिया, थोड़ा सा इसको हमने ढीला कर रखा था अभी खोलने के लिए, ताकि ये जाम ना हो, खोलते समय ज्यादा टाइम ना ले। तो इसको हम तीनों को देखिए ओपन कर देते हैं। ये हमारा सीलिंग फैन है 1200 mm और ECR सेलिंग फैन ये कंपनी का है। चलिए देखिए, ये फैन पूरी तरह से कंप्लीट है, इसकी बाइंडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको नट को तो हमने खोल दिया, अब इसको निकालने के लिए ये जो तीनों तार है ना, ये जो तीनों तार है, इस तार को सबसे पहले हमें देखिए बीच से इधर कर लेना होगा। अगर हम ऊपर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम ठोक के इस स्टेटर को, इसके बॉडी को निकालेंगे ना, इसके कवर को निकालेंगे, तो दिक्कत होगी। तो चलिए हम तीनों को ऊपर ऐसे करके निकाल लेते हैं। इन तीनों वायरों को हम यहाँ से ऊपर उठाने के बाद, देखिए अब इसको हम उल्टा करके ऐसे ठोक देंगे तो ये आसानी से निकल जाना चाहिए। कुछ पंखा होता है नहीं निकलता, उसको ज्यादा ठोकने की भी जरूरत पड़ती है, तो इसको हम अभी देखते हैं, ठोक करके निकाल देते हैं यहीं पर। तो देखिए इसको हम यहाँ से ऐसे खोल करके इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये हमारा देखिए जो सीलिंग फैन है, ये कुछ इस तरह से निकला। इसकी जो बैरिंग है वो पूरी तरह से देखिए, अभी तो इसमें रिपेयर है, बढ़िया तरीके से खुल रही है, चल रही है, लेकिन ये आवाज़ कर रही है, यानी कि घिस चुकी है, कट चुकी है। तो इसकी बैरिंग को हम चेंज करेंगे, या तो अगर हम इसमें चाहें तो जुगाड़ लगा के ग्रीसिंग वगैरह कर दें तो भी ये सही तरीके से काम करेगी, लेकिन यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। इसके अलावा इसकी देखिए, ये जो छोटी सी स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग अगर खो जाती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मोटर बढ़िया से नहीं चलता है, फिटिंग करने में ही दिक्कत हो जाती है, कुल मिला के शुरू में ही नहीं चलता है वो। और इस प्रकार से ये इसके ऊपर का देखिए, ये इसका स्टेटर होता है, ये स्टेटर वाली बैरिंग भी ज्यादा खराब है, इसको भी हम निकाल देते हैं और ऐसे ही ठोक करके इसको भी निकालेंगे, वायरों को बचा करके। ये जो नीचे का वायर है वो कटने का डर होता है, तो उसको बचा करके हम निकालेंगे। और यहां से देखिए, ये जो तीनों वायर है ये सीधा हो गया है, और इस प्रकार से ये हमारा स्टेटर इसका बाहर निकल गया, ये जिसमें हम बाइंडिंग किए हुए हैं। तो ये मोटर का वह भाग है जिसमें बाइंडिंग किया जाता है, उसे स्टेटर कहते हैं। तो देख सकते हैं बाइंडिंग एकदम पूरा कंप्लीट है, इसकी कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाइंडिंग एकदम बढ़िया है, लेकिन बैरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। देखिए बैरिंग, ऊपर वाली बैरिंग देखिए, ये नीचे वाली तो कुछ ठीक थी, ये सही चल रही है, लेकिन बस आवाज कर रही है, लेकिन ये वाली बैरिंग देखिए पूरा जंग लग चुकी है इसमें, देखिए एकदम बिल्कुल घूम नहीं रही है, पूरा रोक ले रही है, तो सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत है। तो बैरिंग जो इसमें लगती है ना, देखिए एक बैरिंग बड़ी होती है और एक छोटी होती है, इसमें 2 साइज की बैरिंग लगती है, और जो बैरिंग होती है, ये जो छोटी होती है इसका नंबर होता है 6201, और ये जो बड़ी वाली बैरिंग होती है इसका नंबर होता है 6202। तो एक है 6201 और बड़ी वाली बैरिंग है 6202। तो यहां पर हमने पहले से ही देखिए बैरिंग ले आकर के रखे दोनों बैरिंगों के लिए। ये देखिए HCH, ये HCH कंपनी का है, और इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पर 6201, ये 6201 नंबर की बैरिंग है, और ये वाली भी HCH की है, ये 6202 नंबर की बैरिंग है। तो देखिए इसको हमें बदलना है, तो सबसे पहले देखिए ये वाली ज्यादा खराब बैरिंग है, तो सबसे पहले हम चलिए इसी को निकालते हैं, बैरिंग पुलर की सहायता से इन दोनों बैरिंगों को हम निकालेंगे। और इसके लिए देखिए ये हमारे पास होता है बैरिंग पुलर, ये हमारा बैरिंग पुलर, इतना टूल्स है ये बैरिंग पुलर का, इसी के द्वारा हम इसको निकालेंगे। तो इस बैरिंग पुलर के द्वारा हम दोनों बैरिंग को निकाल सकते हैं, चाहे वो 6201 हो या 6202। तो इसमें देखेंगे ये जो मोटाई है ना एक साइड की, ये जो कवर है पहले, ये जो मोटाई है इसकी एक साइड की थोड़ी सी ज्यादा है और दूसरी साइड की कम है, तो जो कम है वो 6201 के लिए है और जो दूसरी साइड थोड़ा मोटा है वो 6202 के लिए है। तो सबसे पहले देखिए ये मोटी वाली है यानी 6202 वाला है, इसी को हमें निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये तो सबसे पहले इस प्रकार से है, इसमें ये बीच में टाइट है, और इसके बाद इसको हमें करना क्या है, ये 6202 वाले से निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये इसका कवर होता है, इस पे देखेंगे तो लिखा भी होता है कि ये 6201 और 6202 दोनों की बैरिंग को निकाल सकता है। तो ये हो गया इसका कवर, सबसे पहले इसको यहां पे रख लेना है। रखने के बाद ये 6202 का यूज करना है, तो इसको हम क्या करना है, ऐसे सीधे में इसको डाल देना है, सीधे में ऐसे डालना है कि ये बैरिंग के बीच में चली जाए, और बैरिंग के बीच से होते हुए क्या ये पीछे तक भी चली जाए तो और बेस्ट है, इधर तक, थोड़ी सी पीछे तक। तो यहां पे देखिए ये पूरा पीछे ज्यादा नहीं जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल पे चली जाए बस, उसके बाद हम नक्कल लगा लेते हैं। और ये जो कवर इसका ना, इसका देखिए ये पिन है, इसको लगाना है, इसमें देखेंगे ऐसे एक छिद्र बना हुआ है, ये जो छिद्र बना हुआ है और इसमें भी यहां पे छिद्र बना होता है, वहीं पे इसको लेके जाना, यानी कि ऐसा इसको बैठाना, ये देखिए पूरा फैल जाता है ऐसे बीच से, और इसको यहां से ऐसे डालेंगे।
तो इस प्रकार से जब हम इसको अंदर करेंगे ऐसे ना, तो इसका जब ये सीध लाइन मिल जाएगी ना, सीध लाइन जैसे देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे ठोक करके इसकी सीध लाइन में मिल जाए, तो ये इसका लॉक पॉइंट है। इसको लॉक को हम क्या करते हैं यहां पर इसमें डाल देते हैं और वो लाइन में सीधा सीधा देखिए पार हो जाता है, पूरा इधर से उधर पार हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम ऐसे ऊपर से हाथ रख करके पकड़ के और इसको हम ऐसे टाइट करेंगे देखिए इसको, अभी तो ये दूर है, अभी थोड़ी देर में ये टच हो जाएगा और इसको हम ऐसे टाइट करते हुए जाएंगे। टाइट करते जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बैरिंग इसी तरह से आसानी से निकलेगी। तो सबसे पहले चलिए हम निकाल करके इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम ऐसे टाइट करते जा रहे हैं, अब ये इसमें टच भी हो गया, अब हम इसको और टाइट करते हैं, बस थोड़ा सा ये और टाइट करेंगे। देखिए जब ये टाइट होने लगा ना, अब थोड़ी सी ताकत ले रहा है, जान ले रहा है, ज्यादा हार्ड हो रहा है। तो यहीं पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है टाइट करने में, हम इसको और थोड़ी सी टाइट ऐसे करते जाते हैं, चाहे ऊपर वाला घूमे या नीचे वाला घूमे क्या फर्क पड़ता है। तो इसको हम ऐसे घुमाते हैं और इसको घुमाने के लिए हम प्लायर वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से भी हम घुमा सकते हैं, ज्यादा ताकत लग रही है तो इस प्रकार से हम इसको और घुमाते हुए जाएंगे, ऐसे घुमाते रहेंगे, 2-3-4 राउंड घुमाएंगे ऐसे। चूड़ियों पे है तो चूड़ी जैसे ही टाइट होती रहेगी ये धीरे धीरे क्या होगा, खुल जाएगा। तो चलिए हम इसको घुमाते रहेंगे ऐसे, तब तक घुमाएंगे ये जब तक बैरिंग ना निकल जाए, और बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा हल्का हो गया, तो चलिए हम हाथ से घुमाने की कोशिश कर लेते हैं और ये बैरिंग निकलने ही वाली है बिल्कुल आसानी से। अब हल्का घूम रहा है, जल्दी से अब ये निकल जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहां पर देखिए बैरिंग कैसे निकल गई और ये बैरिंग इसमें आ गई है। अब देखिए बैरिंग यहां पर आ गई। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो ये जो हमारा लॉक था इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहां पे बाहर रख दिया हमने, और इसको अब ढीला कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये जो बीच का पिन था हमने लॉक लगाया था इसको सीधा निकाल लेते हैं। सीधा निकालते ही ये जो बैरिंग है इसमें से निकल जाएगी बाहर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से आप बैरिंग को निकाल सकते हैं। ये जो बैरिंग है देख लीजिए कि कितना जाम हो चुकी थी, कितना गर्दा लगा हुआ है। इसी बैरिंग को हम चेंज करेंगे, इसी बैरिंग को हम बदलेंगे, और ये बैरिंग जो है ना ये देखिए 6602 नंबर वाली है, तो ये 6602 की बैरिंग है। चलिए हम इसको बदल करके आपको लगा के भी दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए इसका नंबर देख लीजिए आप, ये 6602 नंबर की बैरिंग है, दिख रहा है? तो इसका ये देखिए 6602 नंबर की बैरिंग है जो कि ऊपर प्रयोग किया जाएगा। इसकी साइज यही थी, देखिए ये जो सीलिंग फैन में बैरिंग होती है ना देखिए एक ही साइज की है, तो ये 6602 की सभी सीलिंग फैन में, अधिकतम सीलिंग फैन में ये 6602 बैरिंग यूज किया जाता है, और इसमें ये सीधा और उल्टा किसी तरफ नहीं होता है, कैसी भी लगा करके सेट कर दीजिए, बैठा दीजिए। और लगाने का तरीका तो बिल्कुल आसान है कि इसको सीधा सीधा आप ऐसे लगाएंगे और बराबर से इसको ठोक देना है हैमर वगैरह से, बिल्कुल आसानी से ये चला जाएगा। ऐसे लगा करके सेट करेंगे और बराबर से ठोकना है, बराबर से। देखिए ज्यादा कभी ठोक देते हैं तो क्या होता है ना कि इसकी बैरिंग ये वाली जो नई लगाए हैं इसमें भी दिक्कत होने लगती है। तो इसको बराबर से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे कर करके धीरे धीरे, या तो अगर हमारे पास लकड़ी या कोई गुटका वगैरह हो तो इस पर रख करके उस पर ठोक देंगे तो और बेस्ट बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम तो यहां पर हैमर के द्वारा थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से देखिए बैरिंग को हमने पूरा सेट कर दिया, ये पूरा बैरिंग इसमें बैठ चुकी है, देखिए बढ़िया तरीके से रिपेयर भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पंखा चलेगा बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिए हमने एक बैरिंग को, ये जो बैरिंग है ये हमारी ऊपर वाली थी 6602 नंबर की, तो इसको तो हमने बदल दिया। चलिए अब हम 6601 ये जो नीचे वाली बैरिंग है इसको बदल करके दिखाते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं इसी के द्वारा। तो देखिए ये स्प्रिंग है, सबसे पहले इसको हमें सुरक्षित रखना है। ये इसका हमारा रोटर होता है, देखिए ये जो घूमता है कुछ में ये बाहर भी निकल जाता है, अगर इसमें नहीं भी निकल रहा कोई बात नहीं, कुछ में ये बाहर निकल जाता है, छोड़ देते हैं इसको, रहने देते हैं। उससे पहले हम ये बैरिंग निकालना है हमें। तो बैरिंग निकालने के लिए देखिए यहां पर एक साइड में हमने आपको बताया कि ये पतला होता है, दूसरी साइड में मोटा होता है। तो जिधर पतला होता है अब हमें उसका यूज करना है, क्योंकि ये जो बैरिंग निकालने जा रहे हैं वो 6601 की है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसी तरीके से ये इसका ढक्कन की तरह जो कवर है जिसपे लिखा है 6602 और 6601 इस पर लगा देंगे, और लगाने के बाद इसको हम थोड़ी सी अभी पहले ही टाइट कर लेते हैं, वहां रखने के बाद भी हम टाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम टाइट कर लेते हैं इसको पहले से, और यहां पर देखेंगे ऐसे सीधा सीधा लगाएंगे। सीधा लगाने के बाद ये इससे नीचे अब जा नहीं रहा, तो यहीं पर लगा करके इसको थोड़ी सी हम और टाइट कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा टच के करीब लेके जाते हैं कि ये कितना पे लग जाता है। तो देखिए यहां तक हमने इसको पहुंचा लिया, अब इसके ऊपर ये जो इसका लॉक पॉइंट है उसको डालते हैं और उसके बाद हम उसमें लॉक करेंगे। यहां पर देखिए ऐसे फैला करके इसके बीच में ये डालना है, इस तरह से बीच में डालना है, इसको लगा करके सीधा कर लेना, और यहां पर जो सुराख है उसके सीध में ये मिलना चाहिए।
देखिए उसके सीध में मिलना चाहिए, तभी ये जो इसका इसको लॉक करने वाला ये जो राड है ये इसमें जाएगा। जब ये जाएगा तभी समझिए, जब ये चला गया तो समझिए अब ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको टाइट करना है, टाइट करना है इसको, और टाइट करते जाना है, बस टाइट करते जाना है, और बैरिंग आसानी से निकल जाएगी। ये बैरिंग कूलर हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, इसमें इसको इसके द्वारा हम बैरिंग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो बैरिंग में ठोकते रह जाएंगे, निकलेगी नहीं जल्दी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ज़्यादा और ताकत न लगाते हुए इसको प्लायर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं ऐसे, और इसके द्वारा भी ऐसे घुमा सकते हैं, देखिए आसानी से से घूम जाता है और बैरिंग निकलने लगती बढ़िया तरीके से। तो देखिए यहां पर अब ये ढीला हो गया, थोड़ा सा ढीला हो जाए तो फिर हाथ से घुमा लीजिए, तो ऐसे करके आप बैरिंग निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा फिर अगर हार्ड हो रहा है तो हम फिर से एक बार प्लायर का यूज कर लेते हैं, इसी प्रकार से हम बैरिंग को निकालते हैं। और कि इसको हम पूरी तरह से टाइट कर रहे हैं और ये अब टाइट नहीं हो रहा है, जब थोड़ी सी टाइट ना होना, बहुत ज़्यादा टाइट करने के बाद भी ये प्लायर वगैरह भी काम ना करे ना, तो इसको ऐसे पकड़ के थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे ना, ऐसे अगल बगल करेंगे तो ये देखिए यहीं से भी निकल जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है। देखिए इस प्रकार से ये बैरिंग इसमें से निकल चुकी और बैरिंग इसी में अभी देखिए फंसी हुई है। इसी तरह से हम किसी भी बैरिंग को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लॉक को निकाल लेते हैं और ये बीच वाला पॉइंट को खींच लेते हैं, अगर ये खिंचा रहा है तो ठीक है, नहीं खिंचा रहा है तो थोड़ा सा हमें ढीला भी करना पड़ता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइट हो गया था, तो इसको हम थोड़ा सा ढीला भी कर लेते हैं और ढीला करके फिर बैरिंग को निकाल लेते हैं बाहर। तो यहां से इस राड को हम थोड़ा सा इसको ढीला कर लेंगे, ढीला करने के बाद देखिए क्या करेंगे, अपना ये जो राड है सबसे पहले उसको बाहर निकाल लेते हैं और ये बैरिंग को भी इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ये बैरिंग इसमें से निकल चुकी, ये जो बैरिंग है देखिए हार्ड हो चुकी है, ये भी खराब हो चुकी थी, तो इस बैरिंग को भी हमें चेंज करना है, नई बैरिंग लगाना थी। ये हमारे पास बैरिंग है, देख सकते हैं ये 6201 नंबर की बैरिंग है, अभी हम इसको खोल करके अंदर दिखाते हैं। बैरिंग पर लिखा भी होता है कि ये जो जिस नंबर की बैरिंग होती है ना इस पर देखिए लिखा होता है, देखिए ये 6201 नंबर की बैरिंग है और इसको यहाँ पर लगाना है हमें। तो अब हम इसको बैरिंग को सेट करते हैं, ये भी ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, और नॉर्मल सा इसको सीधा सीधा बस सीधा सीधा बैठा लेना, सबसे पहले बराबर किसी तरफ ज्यादा और कम ना हो, और बस हैमर या किसी लकड़ी का गुटका वगैरह आपके पास है तो उसको रख करके और सब तरफ से बराबर बराबर से थोड़ा थोड़ा ठोक देना है, ऐसे ही ठोकेंगे और ये बैरिंग के बीच में ना लगे बस इतना ध्यान देना है, और ऐसे ही ठोकेंगे और ये जाकर के इसमें बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे कि ये बैरिंग भी हमारी जो 6201 नंबर वाली ये भी बैठ चुकी है। तो यहाँ पे अब हमारा हो गया कंप्लीट, अब हमें इसको फिर से लगा के सेट कर देना। अब इसमें कोई ग्रीसिंग वगैरह करने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि ये पहले से ही कंप्लीट है, नई बैरिंग हमने जब डाल दिया तो ग्रीसिंग वगैरह, अगर ग्रीसिंग वगैरह है तो इस बीच में डाल देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बैरिंग के साथ ये घूमेगा। तो सबसे पहले इसको हमें फिट करने के लिए देखिए ये स्प्रिंग लगाना जरूरी है, बिना स्प्रिंग के सेटिंग करेंगे तो सही से बैठेगा नहीं। तो सबसे पहले स्प्रिंग कहाँ लगती है, ये हमारा बीचों बीच में बैरिंग के लगती है, इसके बाद ये जो शाफ्ट होता है ये बैरिंग के बीच में जाना चाहिए, ये स्प्रिंग और बैरिंग दोनों के बीच में जाएगा। तो देखिए ये स्प्रिंग अगर गिर जाती है बार बार तो इसको हम ऐसे ऊपर भी लगा सकते हैं, यहां से लगा लीजिए उसके बाद इसको सेट करिए, सही दिशा में जब बैठ जाएगी अगर तो इसको ऐसे दबाएंगे आप, तो ऐसे दबाएंगे तो ये ऐसे ऊपर फेंकेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेटिंग सही बैठा हुआ है। यहां पर अगर घुमाएंगे तो आप देखिए ये घूम भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसका हम दूसरा कवर, ये जो ऊपर वाला इसकी बॉडी है इसको भी लगा करके इसमें सेट कर देते हैं, ये फिट कर देते हैं। ये देखिए यहां पर वायर ऐसे ही है, नॉर्मली है, यहां पर हमने लगा दिया। और अब ये जो स्क्रूप वाला पॉइंट है वो देखना है हमें, स्क्रूप वाला पॉइंट यहां पर भी है, और इसी तरह से लगा करके हम सेट कर देंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे और हमारा जो फैन है वो चालू हो जाएगा। तो बैरिंग लगाने या चलाने या फिटिंग, देखिए फिटिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगे, तो यहां पर ऐसे हम हैमर के द्वारा ठोकते हैं, तो ऐसे ऐसे ठोक करके इसको आप सेट कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से यह काम करने लगेगा। तो फिटिंग की बात हो गई और बैरिंग किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।